हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रदीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जी फॉर यू ग्रामर फॉर यू। सो अज की इस वीडियो दे विच आपां गल करन जा रहे हाँ टेंस बारे। ते ओ टेंस केड़ा है? उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो उस टेंस का नाम की है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो जिवें कि आपां हर वीडियो दे विच ही ये चीज़ का खास ध्यान रखते हाँ कि जिहड़ा भी टेंस आपां सीखन जा रहे हाँ उहदा सानू नाम पता होवे, उहदी पहचान पता होवे कि पंजाबी दे किहड़े वाक नू असीं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कह सकते हाँ, इहदी सानू पहचान होनी चाहीदी है। इस तों इलावा उह वरत्या किस मौके जांदा है उस चीज़ का पता होना चाहीदा है। ते फिर उसे ही वाक नू जिहड़ा कि सानू पंजाबी दे विच पता लगा है उस वाक नू अंग्रेजी दे विच किवें ट्रांसलेट किया जा सकता है, ट्रांसलेट करन दा रूल की है, इस चीज़ बारे सानू पता होना चाहीदा है। सो अज आपां गल करन जा रहे हाँ जिहड़े टेंस दी, उसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सो ये वाक दी पहचान है कि पंजाबी दा हरेक वाक जिस दे अंत विच रिहा है, रही है, रहे हन, रिहा हाँ एटसेट्रा आवे, उन्हों असी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहिंदे हाँ, उसनों असी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। सो ये जिहड़ा टेंस है ये कित्थे वरत्या जाता है? ये टेंस जिहड़ा है ये हर जगह पर वरत्या जाता है जिथे असी किसी काम की कॉन्टीन्यूटी जिहड़ी है वो शो कर रहे होइए कि काम जिहड़ा है लगातार चल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखो एक जिहड़ी छोटी जी लाइन है, मैं ये लाइन जिहड़ी है ड्रॉ कर दिती है, पर दूसरे नंबर पर मैं ये लाइन जिहड़ी है एक ही समय पर वार वार जिहड़ी है लाइन खिंचदा हाँ। सो उस तो बाद जदों मैं कोई काम लगातार रूटीन दे विच कर रहा हाँ, जिस तरह मान के चलो कि यह लाइन मैं जिहड़ी है वो ड्रॉ कर रहा हाँ। सो नोट करो कि मैं लाइन लाइन जिहड़ी है वो ड्रॉ कर रहा हाँ। सो ड्रॉ कर रहा हाँ भाव के उहदे पिछे रिहा हाँ आ रहा है। सो एक कॉन्टीन्यूटी नू जिहड़ा है वो शो करता है कि मैं जिहड़ा कोई काम वो लगातार कर रहा हाँ। अजिहे वाक जिहड़े आ तुसीं बहुत ही जगह पर वरतदे हो, तुसी रोजाना कोई ना कोई काम कर रहे होंगे हो, हुण भी तुसी जिहड़ा है मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुसी ये वाक नू बड़ी आसानी नाल सीख सकते हो। बस तुसी अपने आप नू एक क्वेश्चन करना है कि मैं की कर रहा हाँ, तो उहदे जवाब दे विच जो भी तुसी कर रहे हो वह तुसी बोल सकते हो कि जिवें हुण तुसी सोचो कि मैं की कर रहा हाँ, तो तुसी कह सकते हो कि मैं वीडियो देख रहा हाँ, भाव लास्ट ते की आया रहा हाँ। इस तरह बहुत सारे वाक है कि बच्चे खेड रहे हन, ओह किताब पढ़ रही है, वह स्कूल जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे वाक। मैं आस करता हाँ कि तुहानू पंजाबी दे विच पहचान जिहड़ी क्लीयर हो गई होगी कि जिहड़ी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दे हरेक वाक आ जिहड़ा उहदे अंत विच रिहा है, रही है, रहे हन, रिहा हाँ आदि जिहड़ा है वह आउंदा ही आउंदा है। सो इहदी वरतों भी तुहानू जिहड़ी है वह क्लीयर हो गई होगी कि किसी भी काम का जिहड़ा है लगातार जारी होना, इस गल नू शो करन दे लई जिहड़ा टेंस वरतदे आ उहनू आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहिंदे हाँ। हुण सवाल यह है कि अजिहे वाक जिहड़े है उहनां नू बणाउण दा रूल की है? सो सब तों पहलों आपां रूल नंबर एक सिखांगे जिहनू आपां पॉजिटिव रूल कहिंदे आ कि हाँ वाचक पंजाबी दा हरेक वाक जिहड़ा कि हाँ विच जवाब देवे कि मैं किताब पढ़ रहा हाँ उहनूं आपां पॉजिटिव कहिंदे आ। सो इहदा रूल जिहड़ा है वह बणदा तुहाडा सबजैक्ट प्लस एस फॉर सबजैक्ट मान लैणा है, फिर तुहाडा आएगा इज़, इज़ एक हैल्पिंग वर्ब है, जां फिर एम जां फिर आर। इस तो अलावा तुहाडी आएगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी। सो एस जिहड़ी फॉर्म दी मैं तुहानूं दो खासियत दस दिंदा है, एक कि सारे ही कॉन्टीन्यूअस टेंसिस दे विच जिहड़ी है ये वर्ब वो रिहा दा सूचक रहेगी। कादा सूचक रहेगी? रिहा शब्द दा, जिवें कि चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होवे, चाहे पास्ट दा कॉन्टीन्यूअस होवे, चाहे फ्यूचर दा कॉन्टीन्यूअस होवे, उन्हां सारयां दे विच रिहा दा सूचक रहेगी कि मैं ये काम कर रिहा हाँ तो प्रेजेंट दी गल, मैं यह काम कर रहा सी तो पास्ट दी गल, ते मैं यह काम कर रहा होवांगा वो फ्यूचर दी गल। बट फॉर्म जिहड़ी है वर्ब दी वो आई एन जी ही लगेगी क्योंकि आई एन जी फॉर्म जिहड़ी है वो रिहा दा सूचक है, ते प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सो हर वाक दे विच आपां ऑब्जेक्ट दी वरतों ते करदे ही करदे हां, सबजैक्ट अते ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो हर टेंस दे विच कॉमन है। उस तो बाद आपां गल करांगे नैगेटिव दी, उस तो बाद आपां नैगेटिव दे रूल दी गल करांगे। सो नैगेटिव दा रूल की कहिंदा है? नैगेटिव दा रूल कहिंदा है कि सब तो पहले तुहाडा सब्जेक्ट आएगा जिहड़ा कि कॉमन है, उस तो बाद तुहाडा हैल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर आएगा।
फिर तुहाडा नैगेटिव होने के नाते इस नाल नॉट लगेगा, फिर लगेगी तुहाडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी। सो आई एन जी जिहड़ी है वो रेहा दा सूचक तो है ही, इस तो अलावा एक जिरंड के तौर पर भी ये वरती जाती है। जिरंड भाव एक किरियावाची नाम के तौर पर, इस तो अलावा इनफिनाइट वर्ब के तौर पर भी ये जी है वरती जाती है। सो जिरंड के तौर पर वरती जाती है, प्लस तुहाडा आएगा ऑब्जेक्ट। हुण तुसी पॉजिटिव दे विच कहिंदे हो कि वह किताब पढ़ रही है, तो नैगेटिव दे विच कहिंदे हो वह किताब नहीं पढ़ रही है। इस तो अलावा तुहाडा आ जाता है इंटैरोगेटिव, इस तो बाद तुहाडा आ जाता है इंटैरोगेटिव। हुण इहदा एक सिंपल ही फंडा है कि जे तुसी कोई सवाल कोई जवाब दे रहे हो पॉजिटिव दे विच जां नैगेटिव दे विच, नैगेटिव पॉजिटिव दे विच कोई जवाब दे रहे हो, सो आम जी गल है कि तुहानू सवाल पूछा जाएगा तो ता ही तुहाडा जवाब बनेगा। जिवें मैं तुहानू सवाल करा कि तुसी की कर रहे हो, तो फिर ही तुसी ये पॉजिटिव जां नैगेटिव दे विच जवाब जवाब दे सकदे हो। सो इसलिए साडा क्वेश्चन जिहड़ा है वह भी बनाउण दा सानू पता होना चाहिए है। सो जदों भी आपां अंग्रेजी दे विच प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दे नाल क्वेश्चन करते हैं तो आप साडा इज एम आर जिहड़ा है वह बाहर लगता है, प्लस लगता है तुहाडा सब्जेक्ट, लोड पैन ते लगता है तुहाडा नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ते जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण गल है कि जदों तुसीं क्वेश्चन लिखदे हो उदों तुसीं इह जिहड़े आ पंक्चुएशन साइन जिहड़े आ इह पाउणे नहीं भुलणे रिटर्न दे विच। सो उस तो बाद जिहड़ा है तुहाडा ए सी यस और नो वाला सवाल। उस तो बाद जदों तुसीं गल करदे हो डबल यू एच दी तां तुहाडा डबल यू एच वर्ड जिहड़ा है बाहर आ जांदा है, जिवें कि हाओ, वेयर, हाओ मैनी, हाओ मच एटसैट्रा वाले जिहड़े हुंदे है वो डबल यू एच वर्ड बाहर आंदा है। फिर तुहाडा हैल्पिंग वर्ब उस तो बाद आंदा है। सो एच वी तो बाद, एच वी तो मेरा भाव है कि चाहे इज़ चाहे एम चाहे आर कोई भी हैल्पिंग वर्ब आंदा है, प्लस ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਬਜੈਕਟ, ਲੋਡ ਪੈਨ ਤੇ ਨਾਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਰਾਜੂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕ, ਰਾਜੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕ। ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਹੇ ਹਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੌਂਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੌਂਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਬਰਾਡ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਬਰਾਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਔਰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਮ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ
अंतला भाग जिहड़ा है वो डिस्कस करन तो पहले मैं तुहानू एक गल जिहड़ी है दसनी भुल गया, वो गल ये है कि इज कित्थे लगाउणा है, एम कित्थे लगाउणा है, ते आर कित्थे लगाउणा है। सो वेखो सिंपल जी गल है कि जिहड़ा इज है तुहाडा वो लगेगा सिंगुलर दे नाल, यानी कि ही दे नाल इज लगेगा, शी दे नाल इज लगेगा, इट दे नाल जिहड़ा है इज लगेगा। इस तो इलावा कोई भी सिंगुलर जिहड़ा तुहाडा सब्जेक्ट होएगा वो दे नाल की लगेगा, तुहाडा इज लगेगा। इस तो इलावा तुहाडा आर हैल्पिंग वर्ब है जिहड़ा वो लगेगा तुहाडा दे नाल, क्योंकि दे एक प्लूरल है। उस तो बाद वी दे नाल, यू दे नाल, यू दे नाल, ते कोई भी प्लूरल नाउन होवे तुहाडा जिवें कि चिल्ड्रन है, प्लूरल नाउन दे नाल भी तुहाडा लगेगा। हुण लास्ट ते अपना बचदा सी एम। सो जिहड़ा एम है, एम हमेशा के दे नाल लगेगा, एम लगदा है तुहाडा आई नाल, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। सो आस करदा हाँ कि तुहानू जिहड़ा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है वो बड़ी आसानी दे नाल समझ विच आ गया होएगा, ते तुसीं इहदे नाल रलदे मिलदे जिहड़े सेंटेंसेस आ वो भी बना सकदे हो। हुण अपना अंतला वाक सी जिहड़ा कि तुसीं खुद बना के नीचे कमेंट दे विच दसोगे। मैं तुहाडी इह वीडियो देख रिहा हाँ जां रही हाँ, सो इह तुसीं वाक जिहड़ा है हुण खुद बना के कमेंट दे विच लिखणा है। सो जे तुहानू मेरियां वीडियोज़ वधिया लगदियां हन, कुछ सीखण नू मिलदा है पंजाबी दे माध्यम नाल, तां मैं तुहानू इह रिक्वेस्ट करदा हाँ कि मेरे चैनल नू वध तों वध शेयर करो, सबसक्राइब करवाओ ते करो, ते नाल ही जिहड़ा बैल दा बटन जिहड़ा है उहनू जरूर दबाओ, तां कि जिहड़ी हर आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन जिहड़ा है तुहानू सब तो पहलों पहुँच जाए। सो अज दी वीडियो दे विच यही मिलते हैं, अगली वीडियो दे विच एक नवी जानकारी दे नाल। बाय बाय।